क्या यहाँ क्या कर रहा है? बत्ती तो खोल दे पहले। आजा। हबीब भाई बड़ी दिनों बाद व्लॉग में आए। सो गाइस आज आखिरी तलाबी है। क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस फिलहाल अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 पर उसे कंप्लीट हो गया है। और गाइस आप लोग सामने देख सकते हैं ये ऊपर क्या कर रहा है, पंखा छूने की कोशिश कर रहा है। अभी लग जाएगी ना हड्डी पसली, टूट जाएगी तेरी। हाँ टूट जाएगा, हड्डी पसली नहीं टूटेगी। सो गाइस हम लोग ने व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल रखा था, अभी 2 घंटे पहले रखा था कि कौन सा व्लॉग बनाऊं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा वोट जिसको मिल रहा है। सोचा यार फ्राइडे तो परसों है और आज है ट्यूसडे, तो हम लोग ने सोचा कि सही टू स्टार व्लॉग बना ले क्योंकि बहुत दिनों का व्लॉग नहीं बन पा रहा था हम लोग का। और मैंने ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पोल लग दिया था कौन सा व्लॉग डालूँ, तो इसी वजह से सोचा कि आज हम लोग व्लॉग बना ले। सो गाइस माशाल्लाह तला बताएगा कि इसका कितना कुरान मुकम्मल हो गया। तो गाइस मेरा आज सुबह 30वां पारा मुकम्मल हो गया है और मैंने अपने दूसरे कुरान का दूसरा सिपारा लगाया है। और तला आज मेरे को व्लॉग बनाना सिखाएगा, बड़ी देर से बता रहा था कैसे व्लॉग बनाते हैं, अब बता कैसे बनाते हैं व्लॉग। नहीं अब बता ना गाइस, हवा निकल गई गाइस। ये फालतू में ये इतनी देर तक बनाता है, फिर कहता है बाकी गाइस हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, थोड़ी दो थोड़ी गाइस के साथ बातें भी कर लिया करो, बाकी गाइस हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एनीवेज गाइस व्लॉग स्टार्ट हो गया, व्लॉग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो। तो गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमारे आधे घंटे में तरावी होने वाली है, आधे घंटे में हमारे तरावी होने वाली है। बाकी गाइस तला के पापा बुला रहे हैं उसको खाना खाने के लिए, अभी तरावी का टाइम हो रहा है। जब हम तरावी पढ़ने जाएंगे तो मैं व्लॉग को कंटिन्यू करूंगा। बाकी जल्दी से हम लोग चलते हैं, खाना ना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बाकी गाइस आज हम लोग याले रूम में शूटिंग कर रहे हैं, मतलब व्लॉग बना रहे हैं। तो हो सकता है कि ईद वाले व्लॉग में भी यहीं शूट करें क्योंकि ऊपर अंधेरा होता है, इसके पापा भी सो रहे होते हैं, मेरे पापा मतलब फैमिली सो रही होती है। तो हो सकता है चांस है कि ईद वाले ईद का व्लॉग भी यहीं शूट करें। बाकी गाइस जल्दी से चलते हैं, अभी तरावी पढ़ लें, फिर मिलते हैं आपसे आगे। बाकी गाइस अब हम लोग जा रहे हैं तरावी पढ़ने, तरावी पढ़ने के बाद जब हम आएंगे तब अयान भाई व्लॉग को कंटिन्यू करेगा। हम लोग डिनर विनर सब कर कर आएंगे, फिर मिलेंगे आपसे। चलो कैमरा तो बंद कर रहा है। अबे भूल जाता हूँ गाइस। क्या जोक मारा भाई। सो गाइस डिनर मैंने कर लिया था और अभी टाइम हो रहा है तरावी पढ़ने का, तो जल्दी से चलते हैं तरावी पढ़ ले। बाकी गाइस का लास्ट है तरावी, इंशाल्लाह कल तरावी मुकम्मल हो जाएगी तो उसका भी देखते हैं, व्लॉग बनाते हैं। बाकी गाइस जल्दी से चलते हैं तरावी पढ़ ले, फिर आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस जस्ट अभी हम लोग तरावी पढ़ कर आएँ और अभी हम लोग जा रहे हैं किसी काम से, एक्चुअली काम से जा रहे हैं हम लोग स्टेशनरी की शॉप पर, तो कुछ काम था और जल्दी से चलते हैं। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ गए तरावी पढ़ के और इसको देख सको कैसे बना हुआ है जानमाज लेके, और मैंने जानमाज कमरे में रख दी थी। बाकी गाइस कल अलग उनसे हमारी तरावी कंप्लीट हो जाएगी, तो हो सकता है कल ये अलग कल तक चले। बाकी गाइस अभी मैं कहता हूँ तलाक चला जाए कमरे में क्योंकि थक गया। और रोज़ा कब रखेगा अब? हाँ गाइस अब मैं देखो अलविदा पे रखूँगा, अब जाएगा अलविदा पे क्योंकि जुम्मे का मैंने कहा था कि अगर जो रखेगा तो उसको रोज़ा भाई रखेगा। बाकी इससे कहता हूँ भाई जा कमरे में और मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। चलो गाइस आप सब सुबह ही मिलेंगे, ये सुबह मिलेगा, मैं अभी थोड़ी देर वहाँ मिलता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप लोग ने देखा कि पिछले मतलब इससे पहले पिछले वाली क्लिप में कि मैं तला के साथ व्लॉग बना रहा था और जैसे ही मैं घर आया ना तो मैंने मोबाइल साइड में रखा और मैं 3-4 घंटे सो गया था। अब मेरे को पता ही चला टाइम कब गुजरा, मेरे को ये भी नहीं याद कि मेरे को व्लॉग बनाना है, व्लॉग कंटिन्यू करना है, बस मैंने मोबाइल साइड में रखा और मैं सो गया। एनीवेज गाइस चलो नींद पूरी हो गई, तो अभी टाइम हो रहा है सैरी का, तो अभी हम लोग क्या करते हैं सैरी करते हैं। हो सकता है कि सैरी में थोड़ी वीडियो क्लिप डाल दूँ, अगर नहीं डालूँगी सैरी की क्लिप नहीं डालूंगा तो डायरेक्ट मिलेंगे फजर की नमाज में, तो जल्दी से चलते हैं अभी। सो गाइस सैरी तो हो गई लेकिन सबसे पहले सोचते हैं हम सैरी करने से पहले ये खा लूँ मीठे रस। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
नाइस। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सारी कंप्लीट हो गई है। बाकी गाइस आप लोग को टाइम दिखाता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 5:01 हो रहा है। सो गाइस जल्दी से चलते हैं फजर की नमाज अदा करने, उसके बाद लोग को कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस मैं निकल गया हूँ फजर की नमाज पढ़ने। बाकी गाइस आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो जल्दी से चलते नमाज पढ़ के मस्जिद में दिखाऊंगा थोड़ा बहुत, अगर मैं दिखा पाया तो दिखाऊंगा, बाकी नहीं दिखा पाया समझ लो टाइम नहीं मिला और मैंने सुन्नतें भी नहीं पढ़ी, बिना टाइम वेस्ट करे चलते फिर मिलते हैं आगे। तो गाइस हम लोग ने फजर की नमाज़ पढ़ ली है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, तो जल्दी से घर चलते हैं। सो गाइस मैं फजर की नमाज अदा करने के बाद अब घर आ गया हूँ, फिर मिलेंगे हम आपसे डायरेक्ट सुबह। The next day. So hello guys, assalamu alaikum. So guys, जैसा कि आप लोग ने पिछले क्लिप में देखा था कि मैं गया था फजर की नमाज़ पढ़ने और guys मैं आगे सो गया था, फिर मैं आज उठा हूँ सुबह, मैं सोचा जोहर की नमाज़ पढ़ कर आएँ क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं चाहता व्लॉग बनाने का, पता नहीं क्यों, तो मैं सोचा जोहर की नमाज़ पढ़ लें उसके बाद आगे व्लॉग को कंटिन्यू कर लेंगे। बाकी guys अभी टाइम हो रहा है 2:10, अभी हम लोग क्या करते हैं कि मैं अपना कुरान पढ़ने जाता हूँ क्योंकि मैंने कल रात से कुरान मैंने पढ़ा नहीं था, और जी वो सहरी में भी नहीं पढ़ पाया था क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था, कल सहरी में लेट उठते थे। तो ऐसे गाइस मैं अपना कुरान पढ़ने जा रहा हूँ, जब कुरान पढ़ कर आऊँगा ना फिर मिलते हैं आपसे और फिर करेंगे बात आपसे। और देख लो मैं कुरान पढ़ गया हूँ, देखो कहाँ चढ़ा रहा है, पर्दे के ऊपर, पर्दे के ऊपर क्यों चढ़ा है, कैसे चढ़ गया पर्दे के ऊपर, तेरे तो पंख भी नहीं थे, आओ नीचे। हाई छोटी पड़ गई मेरी, आओ अभी खींचूंगा, आओ बस जाओ वहाँ जाओ जाओ बस। सो गाइज मैं अभी कुरान पढ़कर आ गया हूँ और मेरे को आपसे ये बात करनी थी कि जैसा कि आप लोग इधर देख सकते हैं कि मैंने कल इंस्टाग्राम पे पोल करा था कि कौन सा व्लॉग डालूं, लेकिन आज इंस्टाग्राम पोल करे हुए 24 घंटे हो गए हैं, तो आप लोग इधर रिज़ल्ट देख सकते हैं कि रिज़ल्ट क्या रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट सभी के बराबर ही है, किसी का 10% ऊपर है, किसी का 5% कम है, तो मैंने डिसाइड क्या करा है कि हम एक व्लॉग की सीरीज लाएंगे जिसमें होंगे 3 व्लॉग 3 या 2 व्लॉग होंगे, तो सबसे पहले बता देता हूँ कि पहला व्लॉग तो यही होगा साइड टू स्टार व्लॉग, सेकंड आ जाएगा सैटरडे को व्लॉग आ जाएगा फ्राइडे का, क्योंकि हम फ्राइडे को बनाएंगे तो सैटरडे को अपलोड कर देंगे, 2 व्लॉग ही हो गए, बाकी यही लास्ट व्लॉग हो सकता है आ जाए हेयर केयर रूटीन व्लॉग, लेकिन मैं कुछ कंफर्म नहीं बता रहा कि हेयर केयर रूटीन व्लॉग आए ना आए, तो अगर आप लोग चाहते हो कि हेयर केयर रूटीन व्लॉग आए तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, मेरे बाल कटने वाले, हो सकता है मेरा मन हो जाए, तो 50-50 है कोई चांस, मैं कंफर्म नहीं बता रहा कि हेयर केयर रूटीन व्लॉग आएगा, बाकी चाहते हो तो कमेंट कर दो। बाकी अभी टाइम हो रहा है 2:10, तो अभी हम लोग क्या करते हैं थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं तैला को कॉल कर रहा हूँ और जैसे कि मेरा दूसरा कॉल है आप लोग देख ही सकते हैं, तो मैंने 2 कॉल मिला दिया है और वो सुबह आया था कि जोर की नमाज़ पढ़ने से पहले, तो मैं कभी बिजी था, फिर मैंने कहा बाद में आई, अब मैं इसको कॉल मिला रहा हूँ, उठा नहीं रहा, देखो फिर ट्राई करता हूँ उठाता है कि नहीं उठाता, फिर ट्राई करते हैं थोड़ी देर, अगर ट्राई नहीं करूँगा फिर मैं देखता हूँ कहाँ पर ये क्या है, मैंने इससे कहा था 2 बजे बाद आ जाइए और मैं 10 मिनट से कॉल मिला रहा हूँ, आ ही नहीं रहा। सो गाइस मैंने फिर कॉल मिलाया, देखते उठाता है कि नहीं उठाता। सो गाइस जैसा कि आप लोग ने देखा मैंने 5 से 6 कॉल मिला लिया, उठा नहीं रहा, अब मेरे को लग रहा है वो नीचे वाले रूम में होगा जहाँ कल हमने व्लॉग स्टार्ट करा था, अब इसको बताता हूँ मैं नीचे जाके, मैंने इससे कहा था ऊपर आज ये टाइम वेस्ट करवा रहे इतनी देर से, अब मैं नीचे जाके इसको मारता हूँ क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पे आ जाए, अब वो नहीं आया, देखते क्या करता हूँ मैं इसका। भाई मेरे को माफ़ कर दो, मैंने कभी इसी किसी जात विवाद में मैं कभी नहीं घुसूंगा, मेरे से गलती होगा भाई मेरे। सो गाइस मैं नीचे वाले रूम में जा रहा हूँ, अब मैं देखता हूँ तला नीचे है कि नहीं। सो गाइस मैं नीचे वाले रूम में आ गया हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चप्पल इसकी यहीं पड़ी हुई है, इसका मतलब ये यहीं पर हम खुलता है कि नहीं खुलता। हला अयान और कौन अभी खोल दरवाजा, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। भाई, क्या यहाँ क्या कर रहा है, बत्ती तो खोल दे पहले,
क्या वहां से बाहर से आई, यहाँ मैंने उसको भगाया, मैं यहाँ से चीज लेने जा रहा था, मैंने देखा यहाँ पे सीधा भाग के कूद के बाहर चली गई, और यहाँ पे मिट्टू है ना उनको ना खा लेगी, यहाँ पे इनका मिट्टू है ना उनको ना खा तो ये सब पहले तू जरा बिल्ली को किसी को खाया था ना किसी ने बिल्ली ने किसी को खाया था यहाँ पे इधर राइट साइड जाते हैं तो तू इधर यहाँ पे आ गया तो मेरे को पता चला कि तलहा ने बिल्ली देखी थी, बिल्ली मतलब देखी थी कुछ मुंह में तो नहीं था बिल्ली के, नहीं मुंह में नहीं था, वो यहाँ से बाहर से आ रही थी, नीचे से मैं चीज लेने जा रहा था, मैं उसको कोशिश कर रहा था, वो ये वाले कमरे में आई, पहले दरवाजा खुला होता है यहाँ का, ये वाले कमरे में आई, मैंने दरवाजा बंद कर दिया अंदर से ताकि वो बाहर ना भाग पाए, और मैंने जैसे उसको दौड़ाया तो वो यहाँ से बाहर कूद के चली गई, और वो इधर राइट साइड में गई है, यहाँ पे तोता पला हुआ है, इस वजह से मुझे डर लग रहा है कि उसको ना खा ले, नहीं खाएगी नहीं, उसको पता भी ना हमारा मिट्टू भी ऊपर है, मैंने आप लोग को दिखाया था हमारा भी मिट्टू, इसलिए बिल्ली आती रहती है, और तू यहाँ इसी वजह से आया था या और कोई काम के लिए आया था? और कोई काम नहीं था। हाँ तो मैं तेरे को फोन मिलाया था, फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? फोन मैं कैसे उठा पाऊंगा, मम्मी के पास होगा फोन। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। सो गाइज इसने बिल्कुल सही काम करा, क्योंकि बिल्ली आ गई थी वरना हमारे भी ऊपर मिट्टू है, अल्लाह के हुक्म से हमारे मिट्टू और पिजन भी ऊपर है, उन लोगों को नहीं हुआ, यहाँ से आई थी और वहाँ ऊपर चली गई। चलो ठीक है भाई। गाइज तला से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि तला मेरा बाल कैसे लग रहा है, मैं आज 5 मिनट से बाल लंबे कर रहा हूँ, तो तेरे बाल गाइज मैं बता दूँ इसके बाल भाई, ये जब ये ऐसी एक्टिंग कर रहा था मेरे को एक या दो साल पुराना ब्लॉग याद आया था, मैंने हेयर कट ब्लॉग बनाया था, तू भी कर रहा था, कैसे कर रहा था? तेरे बाल तुने अच्छे लग रहे हैं, अभी वाली क्लिप भी देख लो आप। तेरे बाल कैसे लग रहे हैं जरा बता, चला मैंने आज हेयर कटिंग करवाई है। तेरे बाल तुने अच्छे लग रहे हैं। अबे साले मार। सो गाइस सीरियसली सवाल पूछता हूँ कि जैसा कि मैंने कल यूट्यूब पे एक पोल करा था कि मैं हेयर व्लॉग, मतलब मैंने 3 ऑप्शन दिए थे, उसमें से पहला व्लॉग तो मैंने बना लिया, और सैटरडे को भी हम लोग बनाएंगे वो फ्राइडे का व्लॉग, और आखिरी मैं से पूछना चाहता हूँ कि हेयर केयर रूटीन व्लॉग बनाऊँ, तू बता। हाँ तेरी मर्जी, तू बना भी सकता है क्योंकि तेरे ईद में बाल भी कटेंगे और व्लॉग भी बना लिए। हाँ बस यही मेरा व्लॉग भी बन जाएगा, बाकी मैंने तो आप लोग से कह दिया, कमेंट कर दो। सो गाइस कोशिश करता हूँ हेयर केयर रूटीन व्लॉग बनाने की, बाकी आप लोग भी जल्दी से कमेंट कर दो। बाकी गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:00 हैं और 1 घंटे बाद हम लोग की नमाज है, तो असर की नमाज जब हम अदा करने जाएंगे फिर मिलेंगे आपसे। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ असर की नमाज अदा करने, बाकी पीछे टाइम बहुत कम बचा है, 5 मिनट से भी कम बचे हैं। एक्चुअली मैं आके थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, मैं थोड़ी आग लग गई थी, पता नहीं कब खुली, तो मैं जस्ट अभी उठ के मैंने वजू करके आया हूँ, और 5 मिनट में सिर्फ 4 मिनट हैं, तो जल्दी से चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी और हम लोग जा रहे हैं अभी इफ्तारी का सामान लेने, तो जल्दी से चलते हैं। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ सर की नमाज़ पढ़ के, और अभी टाइम होने वाला है इफ्तारी का, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी से इफ्तारी करते हैं, क्योंकि आज नवा रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, बाकी रात में है हम लोग की आखिरी तरावी, तो उसका भी अच्छा व्लॉग बनाएंगे, अगर हो सके तो मैं तरावी का कुछ वीडियो क्लिप ले लूँगा। लेकिन सबसे पहले अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग चलते हैं इफ्तारी करने, फिर मिलते हैं आपसे। आप लोग देख सकते हैं अभी 6:20 है, तो गाइस टाइम आप लोगों ने देख लिया होगा, तो जल्दी से रोजा खोलते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस तला के पापा आ रहे हैं बस, और ये देखो छुपा हुआ है ताकि इसके पापा देख ना ले इसको। गाय आ जा। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आज नवा रोज़ा कंप्लीट हो गया है, बाकी गाइस जस्ट अभी हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ कर आए, और मैंने बाहर का व्यू दिखाया था, मतलब कैसा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आंधी भी आई थी अभी इफ्तारी खुलने से पहले,
और जैसे ही आया अभी अपनी उंगली बता, उंगली पे कैसे लगी तेरे भाई? ये और ये वाली उंगली पूरी इतनी कस के हड्डी पे लग गई है। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी तरावी मुकम्मल हो जाएगी, तो आज उसका भी व्लॉग बनाएंगे। लेकिन उससे पहले जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो जब हम तरावी पढ़ ले जाएंगे फिर व्लॉग को कंटिन्यू करो गाइस। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग जाने वाले अपनी तरावी पढ़ने, आज हमारी लास्ट तरावी है और तरावी पढ़ के व्लॉग को एंड कर देंगे। बाकी जल्दी से चलते हैं तरावी पढ़ने। यहाँ पर देख सकते हैं हबीब भी आया है गाइस। हबीब भाई बड़े दिनों बाद व्लॉग में आए, जानते हैं बहुत फेमस है ये, बहुत फेमस हो ना आप? मेरा नाम मजूर दिल्ली होता है। क्या हुआ तेज बोल, पेपर भी खत्म हो रहा और खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। सो गाइस आज आखिरी तरावी है। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह तरावी मुकम्मल हो गई है। सो गाइस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तरावी मुकम्मल हो गई थी और हम सब इसलिए खड़े हैं, जो तरावी मुकम्मल होने के बाद जो चीज़ें बढ़ती है ना, बस हम भी वो लेने के लिए खड़े थे। मतलब हम वैसे तो मिल जाती थी बिना देरी हुए हुए, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। हम लोग जाने वाले थे तो बस ऊपर ने एक दो अंकलों ने मना कर दिया था रुक जा, तो इसी वजह से हम भी रुके हुए। ये देखो भाई क्या हो गया भाई। बच्चों को सब हम दे चुके हैं, सब बच्चों को दे चुके भाई। ये क्या हो रहा है ना सत्तर आबी के बाद, ये देखो कैसे भाग रहा है। सो गाइज हम लोग तरावी पढ़ने के बाद घर आ गए हैं और आप लोग ने वीडियो में देखा ही होगा कि क्या हुई हमारे साथ। और अभी माज भाई से पूछते हैं कि क्या हुआ, कितनी मिली बालू चाय, कितने मिले पेड़, मूड खराब हो गया हम लोग का। और तला को तो मिल गई, तला को तो मिल गई और इनको भी मिल गई, इनको भी मिल गई। अभी जेब में रखे नहीं मिली, खाओ माँ कसम मिली। और ऐसे वो लोग आ गए थे, एक डब्बा लेकर आए थे, बच्चे तीन चार बार दोबारा लेके चले गए थे। ये देखिए ये भूखे नंगे साले, ये गिर गिर के मांग रहे थे, गिर गिर आगे। वो आगे थे, देख लिया और खाली वीडियो बना रहा था मैं। इनकी तो पेड़ा मैं खा के आ रहा हूँ। आज के लिए नहीं, आई होप कि आपको अलग व्लॉग पसंद है, पसंद है व्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और गाइस लिटरली आज बहुत ही खतरनाक हम लोग के साथ स्कैम हो गया, हम लोग ने 10 दिन की तरावी पढ़ी, बाकी जो अभी अभी नए नए बच्चे आए थे ना वही सारी ले गए पेड़े वेड़े। चलो और गाइस वो आज ही के दिन आए, रोज तरावी पढ़ने आते भी नहीं। हम मुझे पता था आज नहीं मिल पाएगी क्योंकि आज बहुत भीड़ थी ऊपर साइड, तो ऊपर ही में खत्म हो गई, तो क्या कर सकते हैं हम, तो बस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर व्लॉग को देखने में मजा आया तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। भूल जाता हूँ गाइस।